गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं कुंदन जी के साथ भारत के सबसे लंबे पुल को देखने के लिए, जो हमारे ही इलाके में कोसी नदी पे बन रहा है। कुंदन जी हमेशा लेट होते हैं, आज टाइम से आ चुके हैं क्या कुंदन बाबू? अब आप जो कहिए उसे मैं लेट होता नहीं, इनका कहने का तकिया कलाम अब बन गया है, कुंदन बाबू लेट तो भाई लेट ही सही, चलिए लेकिन चलते साथ ही में दोनों आदमी, ठीक है। होता ये है कि ये टाइम से तैयार हो जाते हैं हमसे पहले, लेकिन जब हम रेडी हो जाते हैं तब इनको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, जिस कारण ये हमसे लेट हो जाया करते हैं। याद आता नहीं, क्या करे, घर की ओर से मिल जाता है कुछ काम, घर को भी देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं भारत के सबसे लंबे पुल को देखने के लिए, जो हमारे ही इलाके में कोसी नदी पे बन रहा है। दोस्तों इस पुल का निर्माण दो कंपनियां मिलकर कर रही हैं, कोसी के पूर्वी तटबंध की ओर से ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं कोसी के पश्चिमी तटबंध की ओर से गेमन इंडिया इस पुल का निर्माण कर रही है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बकौर गांव, जो बिहार के सुपौल जिले में पड़ता है, और ये जो पुल निर्माण हो रहा है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, और ये पुल सुपौल के बकौर गांव से मधुबनी ज़िले के भेजा गांव तक बनाया जा रहा है। ये इस पुल का मेन कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पुल निर्माण की सामग्री वगैरह रखी हुई है। यहां आप मशीनें वगैरह देख सकते हैं जिससे मिक्सचर वगैरह तैयार किया जाता है। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं पुल निर्माण के लिए सुपर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसे पायों के ऊपर डाला जाता है। दोस्तों इस वक्त मैं कोसी नदी के ऊपर बनाए गए एक अस्थाई पुल पे खड़ा हूँ। ये आप पुल देख रहे हैं जो अस्थाई पुल है, मुख्य पुल के निर्माण हेतु बनाया गया है, और ये सामने आप देख पा रहे हैं कोसी नदी बह रही है। यहाँ आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ पायों का निर्माण काफ़ी ऊंचाई तक हो चुका है, वहीं कुछ पाए अभी उतने ऊंचाई तक नहीं बने हैं, लेकिन पानी के लेवल से ऊपर तक पायों का निर्माण हो चुका है। इस पुल में दोस्तों कुल 171 पाए हैं। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। उस पुल की कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है, और ये कोसी पे बन रहा पुल दोस्तों 10.2 किलोमीटर लंबा होगा, यानी उस पुल से इस पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर अधिक है। इस तरह ये भारत का सबसे लंबा पुल है। इस पुल में दोस्तों 10.2 किलोमीटर ये पुल नदी पे बन रहा है, और 3.1 किलोमीटर अप्रोच पथ की लंबाई है। इस तरह इस पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों जहां इस पुल का निर्माण हो रहा है वहीं कुछ युवक हमें मिले हैं, इन लोगों से हम कुछ बात करना चाहेंगे। कहाँ गांव हुआ आपका? चंदेल मरीचा। चंदेल मरीचा, आप लोगों को इस पुल के बनने से क्या सब लाभ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, आने जाने की दृष्टि से कोई लाभ नहीं होगा? चढ़ान होता है कौन दिया है सुने, 190 डायरेक्ट बकौर बांध से भैया बांध है, डायरेक्ट बीच में अप्रोच पथ नहीं है, कुछ भी नहीं है बीच में चढ़ने के लिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ये खुला बनने से हम लोग को कोई लाभ नहीं है। हम तो सुने हैं कि बीच में अप्रोच दिया गया है। नहीं नहीं अभी नहीं दिया। नहीं, धरना प्रदर्शन है 22 तारीख का है कल, 101 पाया नंबर पे। अब देखते हैं वहाँ क्या कल होता है, उसके बाद बताएंगे। 101 पाया आगे हो गया। हाँ। आगे है सर, वहीं आप लोग मांग कर रहे हैं कि अप्रोच पथ वहीं से दिया जाए। हाँ जी सर। दोस्तों इन लड़कों से बात करने पर इन लड़कों ने बताया कि ये पुल कोसी के पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध तक बनाया गया है, और बीच में कहीं भी अप्रोच पथ नहीं दिया गया है।
कोसी का पूर्वी बांध जो कि सुपौल के बकौर जिले में पड़ रहा है वहां से इस पुल को उठाया गया है और पश्चिम में मधुबनी जिले के भेजा गांव तक इस पुल को बनाया गया है। बीच में अप्रोच पथ नहीं होने के कारण यहां के लोगों को इस पुल से आवागमन की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण ये लोग बार बार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि दोनों बांधों के बीच में इस पुल पर चढ़ने के लिए अप्रोच दिया जाए और सरकार को इनकी बात माननी भी चाहिए जैसा मुझे लगता है। कुंदन जी, रेत बिल्कुल एकदम नजर आ रहा है हर जगह। ये समझिए जहाँ भी नदी रहेगा वहाँ तो रेत रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या एकदम। कुंदन बाबू, हाँ बोलिए। इधर आए हैं या नहीं कभी? नहीं, हम तो पहली बार आए, इससे पहले इधर कभी नहीं आए हुए थे। ये देख रहे हैं बालू एकदम। हम आए हैं एक दो बार क्योंकि मेरा कुछ रिश्तेदार लोग इधर है। अच्छा। और जब हम बांध टपते थे इधर आने के लिए, बांध पार करते थे और फिर नदी पार करते थे, तो हमको लगता था कि हम जेल में आ चुके हैं क्योंकि ये जो बालू है इसमें मोटरसाइकिल चलाना अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बार बार गिरिएगा, चक्का स्लिप करेगा। मतलब इन बालू में आइए तो जेल आ गए, ठीक है कहने का मतलब। हाँ, इस एरिया में आए तो लगता था कि जेल आ चुके हैं। और फिर क्या होता था, जब इधर से बाहर निकले, बाहर निकलने में भी कोशिश करते थे हम कि कोई मेरा मोटरसाइकिल चला के हमको बाहर निकाल दे, और जैसे बांध पे फिर चढ़ते थे तो फिर चैन का सांस लेते थे कि चलिए जेल से रिहा हो चुके हैं। मतलब आप सजा काट लेते हैं बीच बीच में इधर आकर के। बहुत कम, इसलिए अब तो हालांकि पुल बन रहा है लेकिन नीचे उतरने का कोई साधन ही नहीं है। समस्या तो यही है, अगर नीचे उतरने का साधन हो जाए तो आसानी हो जाएगी। दोस्तों, सामने ये चाय की दुकान है, यहाँ कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुंदन जी भी यहीं चाय पीने के लिए चले गए हैं। मैं भी यहाँ जाता हूँ और इन लोगों से भी बात करता हूँ इस पुल को लेके क्या समस्या है। ये लोग पैदल उतर सकता है, चढ़ सकता है, सीढ़ी सही तो है, हम बना के चले जाएंगे और ये लोग यहाँ का तकलीफ करेगा तो ये तो गलत बात है ना। जो मांग है तो वो तो सही होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। कल धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा? यहीं पे, अब आसपास के जो भी गांव वाले हैं ना, उन लोगों ने एकजुट होकर के बोला है कि इससे रिलेटेड बात करना है, काम को स्ट्राइक करेगा कल, काम को रुकवाएगा। हाँ, रुकवाना है। कल क्या तारीख हुआ? कल हो गया आपका 20 है ना, 21 हो गया कल। दोस्तों, इस पुल से उतरने के लिए अप्रोच की मांग को लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कल यहाँ के काम को रुकवाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मांग उन लोगों की काफ़ी जायज भी है। कुंदन जी, हाँ बोलिए। कितना दिहाड़ी मिल रहा है आपको यहाँ काम करने का? जो दिहाड़ी वो तो शाम में पता चलेगा ना कितना मिला है, इसलिए तो गमछा लेके आए हैं कि सारा समेटेंगे इसमें, क्यों है ना। तो अब क्या कीजिएगा बताइए? अब दिहाड़ी लेंगे और चलेंगे घर, शाम हो चुका है, अब घर चलते हैं। आज का यही कहानी ख़त्म करते हैं हम लोग, क्यों? ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं आता है, इसका कारण है कि हम लोग जब भी छुट्टी का दिन होता है तो वीडियो बनाने के लिए निकलते हैं, समय अभाव के कारण ही रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।